Alright, so welcome back everyone. This is Saloni from Sacred at Sacred International, and today we are going to talk about the difference between the advice and advice. When we say A-D-V-I-C-E and when we say A-D-V-I-S-E, so what is the difference between A-D-V-I-C-E and A-D-V-I-S-E? That is why I'm here to tell you. So the first word is A-D-V-I-C-E. जिस advice में C आता है, उस advice का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सलाह. जैसे कि you can say I acted upon his advice. मैंने उसकी सलाह पे काम किया. So then is A-D-V-I-S-E. A-D-V-I-S-E होता है सलाह देना. जब हम किसी को कोई भी सलाह देते हैं, that is A-D-V-I-S-E. जैसे कि यू कैन से दैट माय फादर एडवाइज्ड मी टू जॉइन द जिम. मेरे डैड ने मुझे एडवाइस किया कि मैं जिम ज्वाइन करूं. यहाँ पे आपके डैड आपको सलाह दे रहे हैं. दैट इज व्हाई आई सेड माय फादर एडवाइज्ड मी. ए टी वी आई एस ई डी एडवाइज्ड मी टू जॉइन द जिम. सो इन सिंपल वर्ड्स आई वॉन्ट टू सी दैट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज कि अगर ए डी वी आई एस ई आता है तो वो होता है सलाह देना. और इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी याद रखने के लिए, वो ये है कि जब भी एडवाइस में एस आ जाए तो मतलब याद रख लें कि एस वाले लोग बहुत सलाह देते हैं. तो जिसमें एस आ जाए वो सलाह देना है. बाय द वे आई एम ऑल्सो फ्रॉम एस, बट हाँ आप कह सकते हैं मैं भी बहुत सलाह देती हूँ. सो ए डी वी आई एस ई मतलब सलाह देना, एंड ए डी वी आई सी ई मतलब सिर्फ और सिर्फ सलाह. सो ध्यान रखना है जैसे कि आप ए डी वी आई सी ई की जगह ए डी वी आई एस ई मत लगा देना. मेक इट वेरी शॉर्ट, यूज द करेक्ट वर्ड. दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. बाय बाय, सी यू.